फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के बारे में, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 5 में क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, इस सेक्शन में एक मैरिज वैलिड कब होती है, यानी कि कोई भी विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के हिसाब से वैध कब कहलाएगा, इसके लिए 5 कंडीशंस दी गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सारी की सारी कंडीशंस हम डिटेल में समझेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। दोस्तों, कभी भी कोई भी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वैलिड तब होगी जब वो इन 5 कंडीशंस को फुलफिल करेगी। अगर वो इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो मैरिज आपकी इनवैलिड कहलाएगी, यानी कि अवैध कहलाएगी। अब पहली कंडीशन होती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों सिंगल होने चाहिए, दे शुड बी सिंगल, मतलब कि दोनों कुंवारे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड या वाइफ की पहले से कोई और शादी हो रखी है और उनका पार्टनर जीवित है, पुराना पार्टनर जीवित है, और पुराना पार्टनर जीवित होने के बावजूद वो दूसरी मैरिज कर रहे हैं। ऐसा आप सेकेंड मैरिज के लिए कब जा सकते हैं पहली मैरिज से बिना डाइवोर्स लिए, इस पर भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपका केस इसमें लाए करता है तो आप इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं वहां, उस वीडियो को देखकर। तो यहां हमने पहली कंडीशन देखी कि हस्बैंड वाइफ दोनों कुंवारे होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें इनसैनिटी, यानी कि अगर आपके पार्टनर की, हस्बैंड या वाइफ किसी की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, खराब है, और वो इस हद तक खराब है, इसकी दोस्तों 3 कंडीशन दी गई हैं कि किस कैसे कैसे खराब है तो आपकी मैरिज जो है वो इनवैलिड होगी। तो इसमें हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि वो 3 कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन है कि उनकी मानसिक स्थिति इस तरह से खराब है कि जब शादी हुई थी तो वो उसके लिए अग्री नहीं कर पाए थे, मतलब कंसेंट नहीं दे पाए थे, सहमति नहीं दे पाए थे, तो इस केस में आपकी जो है वो शादी इनवैलिड होगी। दूसरी कंडीशन है कि उन्होंने शादी के लिए सहमति तो दे दी आपके पार्टनर ने, लेकिन उनकी जो मानसिक स्थिति है वो इस तरह से खराब है कि वो यौन संबंध बनाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से आगे बच्चा पैदा करना असंभव है, यानी कि वो अपने वैवाहिक जीवन को संपूर्ण तरीके से नहीं निभा सकते हैं। तीसरी कंडीशन है इसमें दोस्तों, अगर आपके पार्टनर को टाइम टू टाइम मेंटल शॉक्स पड़ते हैं, यानी कि पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो इस केस में भी आपकी शादी इनवैलिड होगी। तो यह है इनसैनिटी यानी पागलपन की 3 कंडीशन जो सेक्शन 5 में दे रखी हैं। अब इसमें हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं सेक्शन 5 के। तीसरा पॉइंट है एज लिमिट का दिया हुआ है, यानी कि जो लड़का है उसकी एज होनी चाहिए 21 वर्ष, 21 ईयर्स, और जो लड़की है उसकी एज होनी चाहिए 18 ईयर्स, यानी कि 18 वर्ष। तो ये एज लिमिट दी गई है आपके इसमें सेक्शन 5 में। चौथा पॉइंट होता है इसमें दोस्तों बियॉन्ड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि आपका जो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को समझ लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें मेंशन किया गया है कि इसमें आपका 3 पीढ़ियों तक हस्बैंड वाइफ जो है वो 3 पीढ़ियों तक नहीं आने चाहिए, चाहे वो आपके लीनियल असेंडेंट्स हो गए या लीनियल डिसेंडेंट्स हो गए। लीनियल असेंडेंट्स मतलब हमारे जो पूर्वज हो गए वो, और लीनियल डिसेंडेंट्स मतलब जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन हो गई, हमारे बच्चे वगैरह हो गए वो, चाहे आगे हो चाहे पीछे, लीनियल असेंडेंट्स या लीनियल डिसेंडेंट्स, 3 पीढ़ियों तक कोई भी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। यानी कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों इन 3 पीढ़ियों में आते हैं, यानी कि जैसे कोई ए, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं ए है, ठीक है, उसके पापा, उसके दादा और उसके परदादा, ये 3 जनरेशन माना जाएगा। ए को इंक्लूड नहीं करेंगे आगे से, उसके पापा, उसके दादा और उसके परदादा, ये 3 जनरेशन हो गई। तो इनके अंडर, इन 3 जनरेशन के अंडर हस्बैंड वाइफ दोनों नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो उनकी मैरिज जो है वो इनवैलिड कहलाई जाएगी, वो वैलिड नहीं होगी। इसके बाद 5वीं कंडीशन आ जाती है दोस्तों, सपिंदा रिलेशनशिप, बियॉन्ड सपिंदा रिलेशनशिप, यानी कि हस्बैंड वाइफ जो है वो सपिंदा रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। अब सपिंदा रिलेशनशिप में क्या होता है, सपिंदा रिलेशनशिप में दोस्तों 5 पीढ़ियां लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में 3 पीढ़ियां ली थी, सपिंदा रिलेशनशिप में हम 5 पीढ़ी लेते हैं, यानी कि जैसे ए हो गया और उसके आगे जो है और 5 जनरेशन, ए को इंक्लूड नहीं करके और 5 पीढ़ियों तक हस्बैंड वाइफ जो है वो इन 5 पीढ़ियों में नहीं आने चाहिए। अगर वो अगर ऐसा है तो फिर वो फिर से उनकी जो मैरिज है वो इनवैलिड कहलाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट और समझने वाला है
कि जो पापा की साइड की जनरेशन है वो 5 काउंट होती है और जो मम्मी की साइड की जनरेशन है वो आपकी 3 काउंट होती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि फादर की साइड की 5 जनरेशन और मदर की साइड की 3 जनरेशन, इसमें अगर शादी हो रही है हस्बैंड वाइफ दोनों इन्हीं उसमें पीढ़ी में आ रहे हैं तो वो सब इन द रिलेशनशिप में आएगा। तो दोस्तों ये थी सारी कंडीशन सेक्शन 5 की फॉर वैलिड मैरिजेस, यानी कि कोई भी शादी वैलिड कब होगी, वैध कब होगी, जब वो इन 5 कंडीशंस को फुलफिल करेगी। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फिर वो इनवैलिड कहलाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।